सर इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्यों ले आए हैं, क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं इतना। ये जो परांठे हैं ना, ये लच्छे वाले परांठे हैं और मैदे के बने हुए हैं। हमें यहाँ पे काफी ज्यादा जो पानी फल के ना दरख्त नजर आए हैं। और फिर पहुंचेंगे अपनी मंजिल पे 5 रातें 6 दिन के बाद। यार गले मिलो यार, हमारा चैलेंज पूरा हो गया यार, आप ही मिलो यार। बाय बाय यार, क्या कमाल बंदे हैं, यकीन करो लफ्जों में बयान ही नहीं होता, इतनी मेहमान नवाजी, इतनी मेहमान नवाजी यार। यकीन करो रात को थोड़ा सा खौफ आया था, बिकॉज ऑफ इस जगह पे ना कोई भी नहीं रहता था, लेकिन यार उन्होंने रात भी स्टे करवाया और अभी भी चाय पानी, मतलब रात को भी खाने का ना बहुत कह रहे थे, बहुत दफा पूछा, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमने खाना नहीं खाना, हम सर्वाइव कर रहे हैं, हमें आज करी है। थैंक यू जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, इनको उर्दू कम आती है लेकिन मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। जैसा भाई मिले गोटे पकड़ ले, नहीं चाय की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं लगेगा। यार एक और भाई है, ये पास ही रहते हैं आई थिंक, सो इनके पड़ोसी हैं, कह रहे हैं चाय पीते हैं, अब इनके पास जाते हैं। यार मेहमान नवाजी जो है ना बहुत पीक पे है, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अच्छा मेरा कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए। अच्छा भाई मुझे ये बताइए, आप बता रहे थे कि यहाँ पे लोग डरते भी हैं, वो क्यों? बहुत सारे लोग गए हुए, कोई चोरी वगैरह कर लेते हैं, कोई ऐसी। अच्छा लोग डरते हैं। अच्छा पंजाबी लोग ऐसा करते हैं? हाँ पंजाबी, मैं तो स्पेसिफिक वो नाम नहीं ले सकता कि पंजाबी हो, जो भी हो। अच्छा आपको मैं एक बात बताऊँ, जब हम लाहौर से निकले थे ना, तो हमने वहाँ पे सुना था कि जो पख्तून लोग होते हैं ना वो गुस्से का तेज होते हैं, ये है वो है, लेकिन मैं यहाँ पे यकीन करो इतने इतने अच्छे लोग मिले हैं, इतने इतने अच्छे कि मैं बयान ही नहीं कर सकता। तो ये तो है कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, और पांचों उंगलियां एक जैसा नहीं होती। ये सारा आपका घर है इस साइड पे? अच्छा अच्छा अच्छा, भाई अपने घर लेके जा रहे हैं। हालांकि मैं भी चाहता था कि यार मैं इस तरह आके इन जगहों पे घर वगैरह विजिट करूं, यहाँ का ट्रेडिशनल कल्चर खाने वगैरह वो भी देखूं। अच्छा जी ये तो स्कूल है, मैं समझता घर होगा। जो सब भाई यूनिसेफ ने बिल्ड किया हुआ है। सही सही, ये देखिए जी ये सारा का सारा स्कूल है, और यहाँ से आगे आ जाओ तो ये बैठक है, उन्होंने कहा यहाँ पे वेट करें, मैं आपके लिए घर से चाय लेके आ रहा हूँ। A few moments later. सर इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्यों ले आए हैं, क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं इतना, भाई इतनी दूर से जाकर चाय ले आए हैं, नाश्ता भी ले आए हैं साथ। और नहीं जनाब इसकी जरूरत नहीं थी, ये देखें जी ये है प्यार यहाँ का, ये परांठे भी ले आए हैं, चने भी ले आए हैं साथ, चाय भी ले आए हैं, और यार खुद डाल लो जो सब भाई पकड़ के भाई से कितनी मेहमान नवाजी करवानी है। और यार लफ्जों में बयान ही नहीं होती भाई, कसम से मैं यकीन करो बयान ही नहीं होता बंदा क्या बोले यहाँ पे आके। ये जो परांठे हैं ना, ये लच्छे वाले परांठे हैं और मैदे के बने हुए हैं, और ये चने मुझे ना लाहौरी चने लग रहे हैं, टेस्ट करके पता चलेगा, और चाय के अंदर गुड़ डला हुआ भाई जान। ओके भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू। ओ भाई साहब यार इतने मेहमान नवाज लोग हैं, अभी जिक्र कर ही रहा था उनके पड़ोसी हैं, ले गए जाके चाय पिलाई, नाश्ता करवाया। जो सब भाई क्या कहना चाहोगे इतनी हॉस्पिटैलिटी के बाद? यार मैंने सिर्फ सुना ही था कि इतने मेहमान नवाज है और यू नो वेरी वेलकमिंग, पर जब एक्सपीरियंस किया तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और अल्लाह ताला इनको खुश रखे। सारी बातों की आखिरी बात यही है कि मेहमान नवाजी इन पे आगे खत्म हो जाती है। ओके जी आज मैंने दोस्तों को एक माफी दे दी है, अब मैं खड़ा हो गया हूँ लिफ्ट के लिए, लेट्स सी देखते हैं लिफ्ट हमें कहाँ तक मिलेगी। कलाम जाना है, मदीन की मिल जाए, बहरीन की मिल जाए, जहाँ की मिलेगी निकल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, लिफ्ट दे देंगे आप हमें? हमने कलाम तक जाना है, आप मदीन ले जाएं, बहरीन ले जाएं, आप पीछे के रास्ते में छोड़ दें जहाँ पे आपको इजी हो। मैं आपको ले जाऊंगा 12 किलोमीटर आगे। ठीक है 12 किलोमीटर ले जाऊँ, बड़ा हमारे लिए खत्म ही नहीं होता। जो सा भाई बैग उतार लें, इजी हो गया है। स्वाद के अंदर भी यार लिफ्ट मिल जाए तो बड़ी बड़ी बात होती है। ध्यान से चलें जी, लेट्स गो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। रस्ते से गुजर रहे थे, हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो पानी फल के ना दरख्त नज़र आए हैं, ये देखें यहाँ पे काफ़ी लगे हुए हैं, जूम करता हूँ शायद आपको नज़र आ जाए, शायद ना आए,
ये जितने भी आप देख रहे हो ना दरख्त, ये पूरा बाग जो पानी फलका है, करीब जाता हूँ, करीब जाके दिखाता हूँ। जसर एक नजर आया आपको या नहीं नजर आया? काफी ढूंढने के बाद हमें मिल ही गई है। यहाँ पे जनाब छुपे हुए थे, ये देखो ये है। बै, बै। सुभान अल्लाह यार, क्या व्यू है यार, चेक करो। ये है ना भाई स्विट्जरलैंड, ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। मोटरसाइकिल वाले भाई हमें मदीन तक उतार गए, मदीन से थोड़ा पीछे ही बस अब बहरीन है और फिर कलाम। कलाम जैसा भाई क्या खोगे? मेरा फोन ऑफ हो गया था, मैंने अभी पावर बैंक लगाया, भाई ने हमें बैठा लिया और सीधा लेके जा रहे हैं कलाम की तरफ। हम मदीन के अंदर थे, बहरीन क्रॉस करेंगे और फिर पहुंचेंगे अपनी मंजिल पे 5 रातें 6 दिन के बाद। मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी चीज का इतना जो है ना वेट नहीं किया, यकीन करो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और वहां पे जाके पता नहीं मैं क्या करूंगा, पता नहीं। ये व्यू देखो यार, चेक करो, नीचे सारा का सारा दरिया सवार चाह रहा है। और ये सीन्स देखो यार, आए आए आए, मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए, बिकॉज ऑफ यार कपड़े बंदा क्या चेंज करे, सर्वाइवल कर रहे हैं, जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहन लो गंदे ही होने हैं, वहां कलाम जाके नौने मोने बच्चे बनेंगे। एंट्री हो चुकी है कलाम बाजार के अंदर भाई साहब। One eternity later. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली जी पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर कलाम बाजार में। आओ यार गले मिलो यार, हमारा चैलेंज पूरा हो गया यार, आप ही मिलो यार, उनका भी शुक्रिया अदा कर ले यार, ये गाड़ी वाले का। भाई जान बहुत शुक्रिया यार, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू, अल्लाह पाक सलामत रखे। हमारा चैलेंज था क्या था पहुंचना, और आपने बहुत हेल्प की है हमारी। जोसेफ भाई ये गले मिल यार। फाइनली जी हमारा चैलेंज जो है वो यहाँ पे आगे कंप्लीट हो गया है। जो मैंने आपसे कहा था, अगर आप लोगों ने part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 नहीं देखा तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, सबसे पहले जाके आप वो देख लो। अभी एक जगह पे जाते हैं, सुकून से बैठते हैं और आपसे एंड पे सर्वाइवल चैलेंज के अंदर जो डिफिकल्टीज हमने देखी हैं उसके हवाले से कन्वर्सेशन करते हैं। वालदा ने मुझे कहा था अपनी जगह पे पहुंचने के बाद सबसे पहले आपने काम ये करना है कि मिठाई लेके आपने लोगों में बांटनी है। जो सभी आपके बिल्कुल सामने शॉप है, आज जाके हम यहाँ से मिठाई लेते हैं। अल्लाह पाक ने हमारी जान माल की हिफाजत की है तो हमारा काम यही बनता है कि सबसे पहले कुछ लें और लेके बांटे। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं यार? मुझे ये बताएं आपके पास काफी मिठाइयाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, सबसे बेहतर कौन सी हैं? बस ये कलाम की स्पेशल मिठाई है शकरपारा। ये वाली? अच्छा ये सवाद की सबसे अच्छी है? केला मिठाई। अच्छा ये हमने कभी लाहौर में देखी नहीं है। क्या? केला मिठाई। केला मिठाई, वाह। किस तरह किलो? 400 रुपए किलो। अच्छा 1 किलो कर दो, ठीक है, थैंक यू भाई। आखिर में मैं आपसे इस सर्वाइवर चैलेंज के हवाले से कुछ बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि यार हमारा ईमान था, हमारा तवक्कल था कि हमने करके दिखाना है और करके दिखाया है। दूसरी बात यह है कि यार ये चैलेंज जो है ना अंग्रेज यूट्यूबर्स ने, इंडियन यूट्यूबर्स ने भी किया है। और एक और बात आपको मैं बता दूं कि जितने मजदूर तकबे के लोग हैं जिनसे हमने खाना वगैरह खाया है, आई नो डैट कि यार इसके अंदर आपको अपना जमीर मानना पड़ता है, लेकिन मैंने किसी का भी हक नहीं रखा, ठीक है, समझने वाले के लिए इशारा काफी है। तीसरी बात यह है कि यार जोसफ भाई की मेरी केमिस्ट्री जो है ना वो मैं कहता हूँ क्या कमाल केमिस्ट्री है,
ये बंदा मेरी मोटिवेशन है, इसने कहा था कि करना है और हमने करके दिखाया है। लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे जोसेफ भाई? जी फैजी भाई, जैसे फैजी भाई बता रहे कि हमारी क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और ये बात जो हमने सोची हुई थी ना 5-6 महीने पहले एम एस थिंकी मॉडिट के ये ना हम करेंगे और मेरा विजन था कि हम कर जाएंगे। मैं फैजी भाई से डिस्कस किया ही बस आंसू हम इस पर वर्क कर रहे थे बट हम कर नहीं पा रहे थे क्योंकि ये टफ टास्क था और चंद यूट्यूबर्स ने किया हुआ है तो बट मुझे ईमान था मेरा कि ये हो जाएगा, अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे। तो जब हम घर से निकले हैं तो फिर अल्लाह ताला ने लोगों ने ऐसे हेल्प की है, लिफ्ट दी है, एवरीथिंग वाज परफेक्ट यू नो। और हमें ये भी डर होता है कि रास्ते में कोई चोरी ना कर ले, ये चीज़ ना छीन ले, मगर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। हम ऐसी ऐसी जगहों पर रहे हैं मगर अल्लाह ताला ऐसे जैसे पीछे फरिश्ते खड़े हों हमारी हिफाजत के, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। और उन सबका शुक्रिया जिन्होंने हमारी मदद की है, जिन्होंने हमें लिफ्ट दी है, खाना दिया, रहाइश दिया, रहाइश दिया। इस बात वालों का वो इतने प्यारे लोग हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की है। तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू अलमाइटी अल्लाह जिन्होंने हमारी हेल्प की है। थैंक यू एवरीवन। अच्छा जोसेफ भाई मुझे ये बताइएगा लास्ट में व्हाट्स योर प्लान राइट नाउ, नेक्स्ट क्या प्लान है आपका? ओके राइट नाउ हम देखेंगे, इधर स्टे करते हैं आज की रात, तो कल का एक सस्पेंस ही है। ठीक है जो हम आपका डन हो गया, डन हो गया। चले जी, अगर आपको सर्वाइवर चैलेंज सीरीज पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, ये आपको कल के व्लॉग में पता चलेगा कल क्या होता है, यहाँ पे होते हैं नहीं होते या वापस चले जाते हैं लाहौर, जो भी होगा कल ही पता चलेगा। भाई को दे जा फी मान ला, अल्लाह हाफिज़।